हमारी कंट्री में सितंबर जैसे ही खत्म हो जाता है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर शुरू हो जाता है ना, तो फेस्टिव सीजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के शुरू हो जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिजनेस प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो क्यों? क्योंकि JFM करीब आ रहा है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो महीने हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि ज्यादातर बिजनेस इन्हीं महीनों में मिलता है और यही महीने है जहां पर ज्यादातर मैनेजर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ 3 रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से ज्यादातर मैनेजर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपनी टीम में कम समय में ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे ही कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में बात करते हैं जिससे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो हम बात कर रहे थे ऐसे 3 मेन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्यादातर मैनेजर्स जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं, इवन इंडस्ट्री छोड़ के चले जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला रीजन है बैड रिलेशनशिप विद बॉस। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने HR वाले हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स में जो काम करते हैं, या फिर अगर आप जॉब कंसल्टेंट्स के साथ बात करो, उनको पूछो ना, तो हमेशा वो लोग एक ही चीज कहेंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मोर देन 70% लोग सिर्फ इसीलिए जॉब छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनका रिलेशनशिप उनके बॉस के साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन ये जो रिलेशनशिप बिगड़ता है, क्या वो पहले से ही बिगड़ा हुआ होता है या धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है? ज्यादातर केसेस में ये जो रिलेशनशिप बिगड़ता है ना, वो बिजनेस प्रेशर की वजह से बिगड़ता है और मैनेजर जो अपने बॉस को फॉल्स कमिटमेंट देता है ना, उसकी वजह से बिगड़ता है। जी हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हर रोज रिजल्ट्स चाहिए, राइट? और इसी वजह से बिजनेस प्रेशर इतना ज्यादा ट्रिमेंडस बढ़ जाता है ना कि मैनेजर से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई तुम हर रोज रिजल्ट्स प्रोड्यूस करो, या तो बिजनेस लेके आओ या तो एक एजेंट रिक्रूट करो हर रोज। और कई बार इसी चक्कर में क्या होता है कि मैनेजर जो है ना अपने बॉस को फॉल्स कमिटमेंट देना शुरू कर देता है। सुबह का जो मीटिंग होता है ना, बॉस हमेशा पूछता है कि भाई कितने एजेंट्स रिक्रूट करोगे, कितना बिजनेस लेके आओगे आज। ये डायलॉग को शोले के गब्बर की तरह नहीं लगता है? कितने आदमी थे? तो बेचारा मैनेजर क्या बोलता है? सरदार दो आदमी। यानी आज मैं 2 एजेंट्स रिक्रूट करके लेके आऊंगा या फिर 2 पॉलिसी लेके आऊंगा। लेकिन जब ये जो कमिटमेंट है फुलफिल नहीं होता है तो धीरे धीरे ये जो रिलेशनशिप है ना, वो काफी ज्यादा बिगड़ने लग जाता है। बॉस का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है और इस प्रेशर को कई मैनेजर्स जो है वो हैंडल नहीं कर पाते और अपनी जॉब को छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा रीजन है इंटरनल पॉलिटिक्स। जी हाँ, आई एम श्योर आप समझ गए हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कई मैनेजर्स को ये लगता है कि मेरा जो बॉस है ना, वो किसी पर्टिकुलर मैनेजर को ज्यादा फेवर कर रहा है या फिर पूरे ऑफिस में सिर्फ मेरे ही साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है। मैनेजर्स को ये लगने लग जाता है कि मेरे बॉस को मेरे लिए कुछ बायस है या फिर कुछ ग्रज है उसके मन में, कुछ ऐसी अजीब सी भड़ास है जो हमेशा मुझ पे निकालता रहता है। और इसी चक्कर में मैनेजर जो है ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जाता है अपने बॉस के लिए और उसका रिजल्ट क्या होता है? ऑब्वियसली उसके बॉस के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन काफी ज्यादा सिंपल है। आप एक बार है ना अपने बॉस के साथ आराम से बैठिए, एक 1-to-1 मीटिंग कीजिए और उनको कुछ काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछिए। फॉर एग्जाम्पल कि बॉस, मैं ऑफिस में से जो भी स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं वो कंप्लीटली उसी तरह से इंप्लीमेंट कर रहा हूं, जो भी स्क्रिप्ट दिया गया है उसी स्क्रिप्ट को मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप मुझे बताइए कि मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए मेरे काम करने के तरीके में। जब आप उनसे फीडबैक मांगोगे, जब आप उनसे सपोर्ट मांगोगे ना, आई एम 100% श्योर ज्यादातर बॉसेस हमेशा हेल्प करते हैं। लेकिन क्या होता है पता है, ज्यादातर मैनेजर्स ये स्टेप ले नहीं पाते। वो इसलिए ले नहीं पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो टाइम निकल चुका है बॉस, अब मेरा रिलेशनशिप ऐसा नहीं रहा कि मैं उसको सपोर्ट के लिए पूछूं। लेकिन दिस इज वेयर यू आर मिस्टेकिंग। एक बार पूछ के देखिए आप, क्योंकि हर बॉस ये चाहता है कि उसकी टीम में जितने भी मैनेजर्स है ना, वो सारे अच्छे से परफॉर्म करे, राइट? तो अगर आप एक बार भी पूछ लोगे ना उनको, आई एम श्योर वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये 1-to-1 मीटिंग की थोड़ी सी जरूरत है, वो करके देखिए आप। और उसके बाद तीसरा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है रिक्रूटमेंट। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फेल होने का एक ही रीजन होता है और वो है अगर आपने अपनी टीम में अच्छे एजेंट्स को रिक्रूट नहीं किया ना,
आप 100% इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फेल हो सकते हो। लेकिन रिक्रूटमेंट में भी वही स्टोरी है कि सर मैं सब कुछ कर रहा हूं जो मुझे ऑफिस में से सिखाया गया है, वही 1-to-1 कॉल कर रहा हूं, वही लोगों के अपॉइंटमेंट जनरेट कर रहा हूं, वही मैं लोगों के घर पे उनके ऑफिस पे जाके उनको कन्विंस कर रहा हूं, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है, सर मैं क्या करूं। आपको पता है 90% इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं ना, उनको यही प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जब वो मार्केट में जाता है ना, जब लोगों से बात करता है, किसी को एजेंट नहीं बनना, किसी को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम नहीं करना, किसी को पॉलिसी सेल नहीं करना, राइट? यही प्रॉब्लम आ रहा है आपके साथ भी। और इसी की वजह से लोग आपको ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन देते जा रहे हैं और नेगेटिव होते जा रहे हैं। मैनेजर को ये लगने लगा है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है ना कि शायद मैं इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर यही सिचुएशन आपके साथ भी है तो क्या करना पड़ेगा पता है अपने को अपने रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 1-to-1 तरीका है ना, ये कई सालों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बिलीव मी ज्यादातर लोगों को इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका एक बहुत ही सिंपल और प्रोडक्टिव सोल्यूशन है, वो है मास रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी। जी हाँ, ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती है जिनको अगर आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, तो आपके लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। अगर आपको ये सीखना है कि बेहतरीन प्रोफाइल्स को अपनी टीम में बल्क में कैसे रिक्रूट किया जाता है, तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक चलने वाला है। हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटे का सेशन होने वाला है, और वो भी 8 से लेकर 10। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आप अपने लोकल एरिया में इन मास रिक्रूटमेंट यानी बल्क रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपनी टीम में प्रोडक्टिव एजेंट्स कैसे रिक्रूट कर सकते हो। अगर ये 8 से 10 वाला टाइम आपको ऐसा लगता है ना कि ये थोड़ा सा सूटेबल नहीं है मेरे लिए, तो डोंट वरी, हम रिकॉर्डेड वीडियोज भी प्रोवाइड करते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं, तो अपने आप को अभी रजिस्टर कीजिए। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।